हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी सर आज आपके लिए घरेलू वायरिंग में काम होने वाले कुछ सामान को लेकर आए हैं कि वायरिंग कैसे किया जाता है, कौन कौन सा सामान लगता है। तो आज हम पढ़ेंगे विशेष करके वायरिंग का तरीका, वायरिंग कितने प्रकार से जाते हैं। घरेलू वायरिंग, फैक्ट्री वायरिंग भी होते हैं, आज मैं घरेलू वायरिंग के विषय में चर्चा। घरेलू वायरिंग बेसिकली पांच तरह से होते हैं, लेकिन आज तो प्राय दो तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग जानते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग और बाहरी सतह में दीवार पर वायरिंग। आज तक हम लोग अभी फिलहाल दो वायरिंग के बारे में अभी जान रहे हैं प्राय, जिन पहले इससे 40 साल पहले, 30 साल पहले, 60 साल पहले ये सब वायरिंग किए जाते थे। लेकिन एक नंबर जो वायरिंग लिखा हुआ है ट्विस्ट वायरिंग, ये लगभग 60 साल पहले किए जाते थे। लगभग 60 साल पहले इस वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता था। अभी इस वायरिंग को यदि हम करेंगे तो बहुत कम खर्च आएगा। इस वायरिंग को यदि हम लोग करते हैं तो घरों में मेरा बहुत ही कम खर्च आएगा। अभी हम लोग इस वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, किस जगह करते हैं, जैसे कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे छोटे मोटे कोई फंक्शन होते हैं टेंट के थ्रू, ठीक है, जहां पे 1000 लोग 500 लोग को एकत्र किया जाता है, वहां पे मीटिंग किया जाता है, वैसे स्थान पर हम लोग इस वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी वैसे स्थान पर हम लोग इस वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्राय होता है। इस वायरिंग में हम लोग दो तार या तीन तार या चार तार वाले आते हैं क्लिप, उसी में हम चारों तार को फंसा कर या तीन तार या दो तार जहां जैसे आवश्यकता है तार को ले आने के लिए हम लोग उसमें तार उसमें ओपन दिखता है, ठीक है। हम लोग लूज वायरिंग भी करेंगे तार हमको ओपन दिखेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, लूज वायरिंग में तार आपस में सट सकता है, लेकिन क्लिप वायरिंग में ये समस्या नहीं सटने का। देखिए, मान लीजिए अभी हम दिखा रहे हैं आपको ये क्लिप वायरिंग का एक फॉर्मेटी डायग्राम हम ड्रॉ करके रखे हुए हैं। इसमें देखिए दो सांचा कटा हुआ है, एक ये कटा हुआ है, ठीक है, और एक ये कटा हुआ है, ठीक है। और ये क्लिप है जो बेस में यानी किसी पे हम लोग सतह पे इसको रख दिए हैं स्क्रू कर। अब क्या करेंगे, दो तार को हम लोग यहाँ पे पार करेंगे, ठीक है, दो तार को इसके ऊपर हम लोग पार किए। मान लीजिए यहाँ पे दो तार पार किया हुआ, एक तार यहाँ और एक तार यहाँ, ठीक है। अब इस क्लिप को इसके ऊपर यहाँ पे हम रख के दूसरे सॉल में कस, तो क्या होगा, आपस में जो दो तार था ये आपस में संपर्क यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसे हम टेंशन करके कहीं दूरी तक भी ले जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये दो तार वाला था, इसी तरह का तीन तार का भी हम दिखाया हुआ, ठीक है, एक दो तीन तार, ये चार तार तक आता है, ये चार तक आता है, लेकिन ये 60 साल पहले हर एक घरों में इस्तेमाल होता था, ठीक है, 60 साल पहले हर एक घरों में भी इस्तेमाल होता था। लेकिन हमारा इंडियन इलेक्ट्रिक रूल बना है कब, 1961, ये चीज याद रखिएगा, 60 साल पहले वो रूल था नहीं तो वो मेरा चल रहा था, ठीक है। तो अब उसके बाद मेरा है सीटीएस वायरिंग। आप लोग देखे होंगे अभी भी कुछ रेलवे के पुराने क्वार्टर होंगे या बीसीएल के या पीएनसीएल के कोल इंडिया के कुछ भी क्वार्टर होंगे, तो वहां पे एक लकड़ी के ऊपर एक वायरिंग की होती थी जो कि तार दिखता था, लेकिन अल्मोनियम की क्लिप से क्लिपिंग किया जाता था, ये आप लोग देखे होंगे जरूर। वैसे वायरिंग को हम लोग सीटीएस वायरिंग के नाम से भी जानते हैं। उसमें देखिए कुछ सामग्री होती है जो आपको हम दिखा रहे हैं, एक ये अल्मोनियम का एक पतला पत्ती होता है, ठीक है, ये ध्यान दिए होंगे वायरिंग का, आप ध्यान दिए होंगे तो आपके घर में मान लें पेंट हो गया होगा, चुनर या व्हाइट वैश कर दिया गया तो वो छुप गया होगा, लेकिन यदि अभी भी उसे आप कवाड़िएगा नया वायरिंग करेंगे दृष्टिकोण से तो आपको वो दिखेगा, जो अल्मोनियम का है और उसमें एक पट्टी पतला होता है, एक छोटा सा गोल पट्टी भी होता है, ठीक है, लॉक करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये भी पत्ती है, ये भी पत्ती है, सारे तार को फंसाने और पार करने के काम में आता है, ये सीटीएस में आपका इस्तेमाल किया जाता है। ये वायरिंग लकड़ी वायरिंग के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं, लकड़ी वाला वायरिंग मेरे घर में कर रहा, ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल अब समाप्त हो चुका, ठीक है, इसका भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते।
अब हमारा पीवीसी चैनल वायरिंग, ये वायरिंग ऐसा वायरिंग है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा ये कॉस्टली होता है, इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं दीवार पे पीवीसी का कोई केसिंग को लगा लिए पूरा, उसके बाद इसके ऊपर से चैनल को बैठाते हैं, पीवीसी का चैनल होता है उसमें तार को अपना सेट करके हम लोग उसके ऊपर बिठाते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल महंगा होने की वजह से हम लोग नहीं करते। लेड शीट वायरिंग, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बड़े बड़े बिल्डिंग में हम लोग वायरिंग का प्रोग्रामिंग पहले से कर किया जाता है, वहां पे ऐसे वायरिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां पे ऐसे वायरिंग का इस्तेमाल कर जहां पे हम लोग का वायरिंग पहले से प्रोग्राम किया हुआ है कि हमको इस बिल्डिंग का पूरा डायग्राम का हमें मिल चुका है और हम एक बार में इसका लेडरशीट का पूरा वायरिंग बिछा दिए हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। इससे हम लोग अंडरग्राउंड भी बोल देते हैं, इस वायरिंग को अंडरग्राउंड भी बोल देते हैं। लेकिन अब ये जो है आपका कंक्रीट पेपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग आज भी करते हैं और करते रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस जब से बना है तब से कंटिन्यूअस है, गरीब हो या अमीर हो, कम खर्च वाले में अधिक खर्च, सब तरह से इसमें किया जाता है। कंपनी भी जितने हैं सारा इसी पे सामान को भी तैयार करते हैं, इसी वायरिंग से रिलेटेड। यह वायरिंग दो तरह से होता है, सतह पर कंक्रीट वायरिंग, ठीक है, मान लिया ये कोई दीवार है, ठीक है, इस दीवार के ऊपर हम लोग गोलाकार पैप से भी वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक ये भी तरीका है, इस तरह इसमें बहुत सब चीज आता है, एल ये 90 डिग्री पे होगा, एल हो गया, इस तरह का टी आएगा, सभी तरह का, ये पाइप वायरिंग होगी सतह के ऊपर कंडक्ट करने की पाइप वायरिंग में ऐसा है, ये आपका जो पाइप होता है पीवीसी का भी होता है, अब वी आई आई रबर हल्के आज इंडियन रबर से भी ये बनाया जाता है, हल्के आज इंडियन रबर से जो हम वायरिंग जो करते हैं वी आई आर, ठीक है, ये बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है, आज वी आई आर का इस्तेमाल हम लोग इंडियन रेलवे जो हमारा है उसमें वी आई आर के कंट्रोल टाइप से ही वायरिंग किए जाते हैं। ये याद रखिए क्योंकि इसमें फायर प्रूफ होते हैं, हम इसमें कोई शॉर्ट सर्किट आग भी लगता है तो आग उसी जगह रह जाएगा, आप किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा, ठीक है, ये आपका हो गया सतह के। इसमें आपका एक केसिंग में भी आता है, ठीक है, जिसे हम लोग चौड़े वाले बोलते हैं, चौड़ा, ठीक है, चौड़ा होगा, ठीक है, इसके ऊपर से पहले हम इसमें क्लिपिंग के दीवार में मार देंगे, फिर उसके ऊपर से क्लिप कर एक पट्टी आएगा जहाँ कैपिंग करने वाला, उससे कभी दिखने का आपको स्क्वायर होगा, ठीक है, ये अलग अलग साइज पे भी आते हैं, ये भी आते हैं साइज पे, ये भी साइज पे आती है, एमएम में आएंगे, ये आपका 1/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, आ जाएगा, एक इंच का आएगा, इस तरह साइज में आएगा, लेकिन एमएम में आएगा, ठीक है, इसमें आप पतले भी आते हैं मोटे भी आते हैं, जितना चौड़ा आप चाहिएगा उतना चौड़ा अवेलेबल है, शायद 8 mm तक अवेलेबल होगा, ठीक है, हाँ शायद 8 mm तक अवेलेबल है, बट इसका हम देखे नहीं है बुक में कितना 8 mm तक अवेलेबल है, ठीक है, ये हो गया। अब यही सी कंक्रीट पाइप वायरिंग में ही आता है, दीवार के अंदर एक वायरिंग की जाती है, ये दीवार के अंदर जो होता है ये केसिंग में नहीं आएंगे, ये केसिंग वायरिंग चौकट में नहीं आएंगे, ये हमेशा जब भी आएंगे तो आपका गोलाकार पाइप, ये पाइप का क्वालिटी होता है, जैसे हमको महंगा वायरिंग करवाना है तो अलग क्वालिटी का पाइप लगाएंगे, सस्ता वायरिंग का उसमें भी क्वालिटी आएंगे, जिस प्रकार से हमको वायरिंग करना है उस प्रकार से हम लोग पाइप को कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली आपको वायरिंग का प्रोग्रामिंग उसमें, जैसे कि हम लोग लेडरशिप में करते हैं प्रोग्रामिंग, उसका उसमें भी प्रोग्रामिंग करना होता है, ठीक है, लेकिन हाँ प्रोग्रामिंग करने के बाद उसे हम छोड़ देते हैं, प्रोग्रामिंग कर लिए क्या लगाना है मिस्त्री को दे दिए, जो राजमिस्त्री होता है उसे हम दे देते हैं पाइप को सेट करने के बाद, वो उसके ऊपर अपना ढलाई मारना हो, प्लास्टर करना हो, ईटा लगाना हो, जो लगाना हो वो लगा देगा, फिर हम क्या करेंगे वायरिंग घर कंप्लीट होने के बाद हम उस जाके उस वायरिंग कर सकते हैं, इसे हम लोग दीवार के अंदर का वायरिंग कर, ठीक है। तो आज था हमारा वायरिंग सिस्टम के बारे में, आप देख लीजिए 5 तरह का वायरिंग सिस्टम पड़े, कौन वायरिंग का कहाँ इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है, आज के मेरा वीडियो यही लास्ट होता है, धन्यवाद।